इससे इतना इतने दिन दुनिया में ओहो गड्ढे पड़े पाया किताबां दिया गड्ढे पड़े पाए हैं। सिर्फ एक बात काफी है, ये इस दुनिया में जो आग लगी हुई है, इस दुनिया में जो आग हर जगह पर आग लगी हुई है ठंडी हो जाएगी अल्लाह के फजलो करम से ठंडी हो जाएगी। और वो पढ़िया करो सुभान अल्लाह बाबे हमदी देख मैं नार दूं और दो इतनी बड़ी किताब जो 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 इस दुनिया जो जो आग इस दुनिया में लगी हुई है हर जगह पर बादशाह दे कोट भी घरां विच भी छोटे छोटे घरां दे विच भी है तो इनकी बरकत से ठंडी हो जाएंगे। आप हूं तुम ये बने जिम्मेवार ना, जिम्मेवारी है ना कि आम आदमी हम तकसीम करो जी। हाँ दो हजार सारे दे दो फलो ना कोई तुम इन्होंने। हाँ बहुत मर्जी ठीक बड़ी मेहरबानी। हमारा जीना मरना मुरना तो है ही नहीं, ये तो नफसी मरता है वो जल्दी फिर कोई अच्छी जगह अल्लाह पहुंचा देंगे है कि एक दो मकाम है ना इली जीन यहाँ बड़े बड़े आदमी अल्लाह 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 के परहेजगार बंदे रहते होंगे। एक है सिज्जीन सिज्जी जीन की है वो खुदा का बहुत बहुत बुरी जगह है कि ना। अल्लाह आपको इली जीन का को की कहते हो मकाम बख्शे। हाँ माशाल्लाह खुश हो गए हूँ मैनू भी छुट्टी करो ना जरा परे हो मेरे को चलना भी मुश्किल है। बस बहुत शुक्रिया ना ना ला इससे बेहतर कलाम कहीं नहीं है। पाकिस्तान की हाँ और ना में तमाम अकवाम आलम के फैसले हुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं पाकिस्तान का महब हूँ ठीक है कि नहीं। और यही मेरे कहने का हक था और हक अदा कर दिया। मैं पाकिस्तान का महब हूँ। मैंने मेरा हक मैंने हक अदा कर दिया। मैंने अपना हक अदा कर दिया कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अकवाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। माँ ये मेरा हक था मैंने पूरा कर दिया। आपके लिए दुआ की आप सबके लिए ये जो आग लगी हुई है दुनिया में और इसका कोई इलाज नहीं ना पता लग गया वो सुभान अल्लाह बाबे हमद ही पढ़ो। हर एक घर में हर एक पिंड में अग लगी हुई है ना, अग्नि लगी हुई है ना जी कहाँ झगड़ा फसाद अल्लाह पाक ठंडी कर दे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा हक था मैं पाकिस्तान का महब हूँ ना, मैंने अपना हक अदा कर लिया कि एक दंगे एक
एक दीवाना एक जंगल में तनके तनके चल रहा था और ये कह रहा था कि वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन पाकिस्तान की हाँ नाम अकवाम अकबालम के फैसले हुआ करेंगे, और मेरा हक था, मैंने अदा कर दिया। ठीक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, हाँ हक था, मैंने अदा कर दिया। और बचते फिर दूसरी बचते रहो, तुसी बचते रहो, तुसी चलते रहिए। माशा अल्लाह, लहूना नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। सरकार बाबा साहब ने जो फौज में 1945 में 45 में इस्तीफा दिया था ना फौज से, ब्रिटिश आर्मी से, इंजीनियर्स कोर में थे आप। चलो वो पढ़ के सुनाओ। उनके कोर कमांडर थे ब्रिगेडियर WDLD विच रुकी सैपर्स। उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी आपकी, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट SR। It is no exaggeration to say that I have never met a man in India to touch him. He is as keen as mustard. He works as a clock works in the office as well as on the columns. Dusra tha, Barkat Ali is a commissioned gazetted officer and is empowered to sign on my behalf. ब्रिगेडियर WLD विच OBECMG कमांडेंट KGVs ओ बंगाल सैपर्स रुड़की। सुनो जी जी, 22 June 1945 इन द नेम ऑफ अल्लाह द कंपेंशनेट द मर्सीफुल, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एबडिकेशन, बिलीव इट और नॉट, रिपीट नॉट, this is true story of my heart. I have finally and firmly resolved to lead my life as a fakir, and as a fakir I am required to give up all, repeat all I possess. This is my final farewell statement and may be regarded as official. Thereafter I will make no statement. This is final. Barkat Ali number 441 KGVs Bengal Sapers Roorki। फिर की बंदोबस्त होया? हाँ अच्छा, मैं तुसी को पढ़े हूं? नहीं मैं पढ़ता नहीं। पढ़े हैं? नहीं अगे नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ता हैं। पढ़ने चाहिए। तू डी ऑफिसर कमांडेंट नंबर 1 ट्रेनिंग बटालियन रुकी सब्जेक्ट ये पढ़ ले। हाँ जी पढ़ ले जी, प
पढ़ ले। अच्छा जी, नंबर 447 बरकत अली इज प्लेस्ड अंडर ओपन अरेस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 11 AM टुडे द 22nd डे ऑफ जून 1945। प्लीज प्रोवाइड द नेसेसरी गार्ड कंसिस्टेड ऑफ 2 VCOs इमीडिएटली सिग्नेचर्ड SO 2nd फॉर कमांडेंट। अरेस्ट हो जाए ना जी, फिर उन्होंने मेडिकल